तरोकार। तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी से खबर आपको बता रहे हैं, तकरीबन 6 बजे के आसपास गोरखपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। रात्रि विश्राम के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, करोड़ों की सौगात देंगे। अभिनेता बिंदु तारा सिंह पहुंचे गोरखपुर। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर का बिंदु तारा सिंह ने दर्शन किया। कई दिनों से फिल्मों से दूर चल रहे हैं बिंदु सिंह। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और बिजली कर्मचारियों की बैठक खत्म हुई है यूपी से खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद कर्मचारियों ने काम पर वापस लौटने का फैसला लिया है। कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा, एके शर्मा ने कहा है। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की कोशिश होगी, एके शर्मा ने कहा। एके शर्मा ने कहा कुछ मांगों पर द्विपक्षीय वार्ता कर निर्णय होगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और बिजली कर्मचारियों की बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद कर्मचारियों ने काम पर वापस लौटने का फैसला लिया है। कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा, एके शर्मा ने कहा। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की कोशिश होगी। कुछ मांगों पर द्विपक्षीय वार्ता कर निर्णय होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और बिजली कर्मचारियों के बीच बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? मयूरी, आज जो है पिछले कई दिनों से जो है प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी है वो एक प्रदर्शन कर रहे थे, एक आंदोलन था और कार्य बहिष्कार किया था, जिससे कई जगहों पे बिजली की जो आपूर्ति है वो बाधित हुई थी और कई सारे काम भी जो है वो रुक गए थे। तो आज एक बैठक चली है ऊर्जा मंत्री और बिजली जो कर्मचारी के जो यूनियन के लोग हैं उनसे एक बैठक हुई है और ये बैठक जो है सकारात्मक तरीके से खत्म हुई है। बिजली कर्मचारी जो है कार्य बहिष्कार जो है वो स्थगित करके अपने काम पे लौट आए हैं। ऊर्जा मंत्री के निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया है और वहीं ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से बातचीत करने में ये बताया कि जो कर्मचारियों की मांग है उस पर हम विचार करेंगे और अपनी हर संभव कोशिश करेंगे कि उन मांगों को पूरी कर दिया जाए। कुछ मांगे ऐसे भी हैं जिन पर द्विपक्षीय वार्ता करने की जरूरत है, वार्ता करने बाद उन मांगों को देखा जाएगा। साथ ही एके शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया है कि उन्होंने किस तरीके से इन चीजों का हैंडल करने के लिए दिशा निर्देश दिया और निवेदन भी किया है ऊर्जा मंत्री ने कि कार्य बहिष्कार के चलते जो आपूर्ति में जो कमी आई है उसका निस्तारण जो है वो जल्द से जल्द किया जाए, जिसके लिए सभी जो है बिजली कर्मी मान गए हैं। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी। बाबुओं ने प्लॉट की दिलाली के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गोमती नगर में प्लॉट आवंटित कराने के लिए रकम मांगी थी। 17,75,000 रुपए की बाबुओं ने ठगी की है। ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। LDAVC ने तत्काल 3 बाबुओं को निलंबित किया है। LDA बाबुओं ने प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी की है, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। गोमती नगर में प्लॉट आवंटित कराने के लिए रकम मांगी थी। बता दें पीड़ित से 17,75,000 रुपए की बाबुओं ने ठगी की। LDAVC ने तत्काल 3 बाबुओं को निलंबित किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश से जुड़ेंगे। रितेश, LDA बाबुओं ने प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी की है, क्या कुछ पूरा मामला है?
देखिए मयूरी, कोई नया मामला नहीं है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के कारनामे लगातार डेली उजागर हो रहे हैं और एलडीए के जो बाबू हैं और जो अवर अभियंता हैं, कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता पाई जाती है। किसी भी मामले में हो, चाहे वो आवंटन को लेकर के हो, चाहे किसी मकान की जो बनाने के लिए जो नक्शे पास करवाने के एवज में रुपया अटने की कोशिश की जाती है, इस तरीके से लगातार इनकी ठगी चलती रहती है। उस मामले में अभी एक बाबू ने जो है प्लाट दिलाने के बहाने से 17.5 लाख रुपए की ठगी की है। उसने पूरा सिंडिकेट बना करके तीन अन्य लोगों को और भी वो बताया जिसको बेचा प्लॉट कि ये एलडीए के ही कर्मचारी हैं, बाबू हैं और इनसे इनको पैसा दीजिए। उसके बाद पैसे की और डिमांड करने लगा। जब इसकी जांच पहुंची तो एलडीए वीसी ने इस बाबू को निलंबित कर दिया है। अभी सारा मामला गोपनीय रखा गया है। मयूरी, मैं आपको बता दूं कि तीन लोग अभी इसमें और संदिग्ध है, छानबीन की जा रही है। अधिक जानकारी होने पर हम लोगों ने वीसी से बात करने की कोशिश की थी तो अभी उस सारे बात करने से मना कर रहे हैं, किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है, प्लाट दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है और ये प्लाट जो है गोमती नगर में स्थित है, वहां पर इस सारा मामला हुआ है जिसके एवज में एलडीए वीसी ने उस बाबू को निलंबित कर दिया है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारी। निराला नगर की एस हॉस्पिटल में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अलमाइटी हॉस्पिटल के संचालकों ने मारपीट की है। पुरानी रंजी सौ मरीज को लेकर मारपीट हुई है। लखनऊ से खबर आ रही है, अंजर खान समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सीसीटीवी कब्जे से लेकर पुलिस ने जांच शुरू की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, निराला नगर के एएस हॉस्पिटल में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी घटना है? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में जितने भी निजी अस्पताल चल रहे हैं कहीं ना कहीं सब संदेह के घेरे में हैं और सबकी अगर जांच कराई जाए तो सब में कुछ ना कुछ खामियां नजर आएंगी। मैं आपको बता दूं, अभी जो जानकारी मिल रही है, निराला नगर में एक अस्पताल है, निजी हॉस्पिटल है, उसमें मारपीट और तोड़फोड़ की गई है। ये आरोप लगा रहे हैं एक निजी हॉस्पिटल के ऊपर, उसका नाम अल्बर्टी है, उनके संचालकों ने इनसे मारपीट की है। पुरानी रंजिश और विवाद के मामले में इस चीज को बताया जा रहा है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो वहां पे इस अस्पतालों में एक मरीजों को लाने का एक सिंडिकेट चल रहा है, बहुत बड़ा सिंडिकेट पूरे लखनऊ में चल रहा है। ये इनका सबसे आसान तरीका होता है कि जो सरकारी अस्पतालों में जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो वहां से मरीज को रेफर करते हैं, फिर उनका बकायदा कमीशन सेट होता है, इस तरीके से भेजा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस होते हैं उनका बड़ा सिंडिकेट होता है, जिस एम्बुलेंस से उन्हें देहात से भेजा जाता है लखनऊ शहरी क्षेत्रों की तरफ अस्पतालों में, वो रास्ते में ही बंटवारा करते हैं, वो रास्ते में उनको बताते हैं कि आपको किस अस्पताल जाना है, क्या होता है, बकायदा उनका 20% से लगा करके 30% तक का उनका कमीशन सेट होता है। तो कुल मामला ये जो अभी निकल करके आ रहा है वो कमीशनखोरी का मामला निकल कर आ रहा है। किसी ने कहा कि आप हमारे अस्पताल ले चलिए, किसी ने कहा हमारे अस्पताल ले चलिए, उसी में बात विवाद बढ़ा है जो अभी जानकारी मिल रही है। फिलहाल अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है, सारा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है, सीसीटीवी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद पूरी जानकारी मिलने के बाद बताया जाएगा कि अब इसमें आगे दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो अंजर खान समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी फौरी जानकारी जो हमें प्राप्त हो रही है, आपसी विवाद में मारपीट की जानकारी है और सरकारी अस्पतालों से मरीजों को लाने का और उन पर कमीशनबाजी का मामला सामने उजागर हो रहा है। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारी। प्लाईवुड फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण विभाग का नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, वायु प्रदूषण को लेकर नोटिस जारी हुआ है। पहले भी जारी किया जा चुका है नोटिस, नोटिस को लगातार अनदेखा कर रहे फैक्ट्री के मालिक। फैक्ट्री के धुएं से क्षेत्रीय लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। प्लाईवुड फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण विभाग का नोटिस जारी हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, वायु प्रदूषण को लेकर नोटिस जारी हुआ है। पहले भी जारी हो चुका है नोटिस, नोटिस को लगातार अनदेखा कर रहे हैं फैक्ट्री मालिक। फैक्ट्री के धुएं से क्षेत्रीय लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। लखनऊ में 8 प्लाईवुड फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण विभाग के द्वारा नोट
नोटिस जारी किया गया है। बता दें वायु प्रदूषण को लेकर नोटिस जारी हुआ है, पहले भी जारी किया जा चुका है नोटिस। नोटिस को लगातार अनदेखा कर रहे हैं फैक्ट्री के मालिक। फैक्ट्री के धुएं से क्षेत्रीय लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। फैक्ट्रियों को प्रदूषण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। वायु प्रदूषण को लेकर जारी हुआ है नोटिस, पहले भी नोटिस जारी किया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओवैस हमसे जुड़ेंगे। ओवैस, 8 फ्लाईवुड फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जो है तालकटोरा में 8 प्लाईवुड फैक्ट्रियां थी जिनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इससे पहले भी कई बार जो है यहां पर नोटिस जारी किया गया था, या मतलब इनको इस चीज के लिए ताकीद किया गया था, लेकिन फिर भी फैक्ट्रियां चलती रहीं। और तस्वीरों में मैंने दिखाया है कि उसमें किस तरीके से वहां पे जो धुएं उठ रहे हैं और जो कैसे चिमनियां हैं जो क्षेत्र में कितने वायु को दूषित कर रही हैं, कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, ये इस बात के सबूत ये तस्वीरें बता सकती हैं। और जिसको लेकर यहाँ पर तालकटोरा में 8 फैक्ट्रियों में नोटिस जारी हुआ है। जी जी, धन्यवाद ओवैस तमाम जानकारियों के लिए। दहाड़े गोली की घटना से काकोरी दहला है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, काकोरी में गोली चलने से हड़कंप मचा। रामजीवन नाम के व्यक्ति को गोली लगी है। प्रॉपर्टी विवाद में गोली चलाई गई है। बदमाशों के हौसलों के आगे पुलिस मस्तक नजर आ रही है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, दिन दहाड़े गोली की घटना को अंजाम दिया गया है जिसे लखनऊ का काकोरी दहल उठा। काकोरी में गोली चलने से हड़कंप मचा। रामजीवन नाम के व्यक्ति को गोली लगी। प्रॉपर्टी विवाद में गोली चलाई गई है। हौसले के आगे पुलिस नतमस्तक नजर आई। रामजीवन नाम के व्यक्ति को गोली लगी है। प्रॉपर्टी विवाद में गोली चली। बदमाशों के हौसलों के आगे पुलिस नतमस्तक। दहाड़े गोली की घटना से काकोरी दहला है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओवैस हमसे जुड़ेंगे। ओवैस, दिन दहाड़े गोली घटना को अंजाम दिया गया जिसमें रामजीवन नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, क्या वजह है गोली चलाने की, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर वजह बताई जाए तो वजह तो आपसी रंजिश और प्रॉपर्टी को लेकर बताई जा रही है कि आपसी रंजिश को लेकर इनको गोली मारी गई है। और ये काकोरी में रामजीवन लोधी थे जो मानदेगा पे काम करते थे और ये वहां से काम करके लौट रहे थे, तो तभी जो है यहाँ पर इनको गोली मारी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके 3 राउंड वहां पे गोली चली है। दिन दिहाड़े बेखौफ बदमाश 3 राउंड गोली चलती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, आदमी निकल जाता है। और दूसरी बात यह है कि इनके एक गोली जो है वो सर में लगी है और एक पेट में गोली लगी है, जिससे इनको ट्रामा सेंटर भेजा गया है जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई है। जी धन्यवाद ओवैस तमाम जानकारियों के लिए।
टेंशन लाइन की चपेट में दो लोग आए हैं अलीगढ़ से, आपको खबर बता रहे हैं। एक की मौत हुई है जिसमें दूसरा घायल हुआ। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया है। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना दादो क्षेत्र के आटा गांव का मामला बताया जा रहा है। लोगों के साथ। अच्छा, और दोनों में से दोनों सही है या? एक खत्म हो गया, दूसरा झुलसा हुआ है। अच्छा, वो कहाँ है दूसरे वाले? सूद हॉस्पिटल में भर्ती है छर्रा। अच्छा अच्छा, क्या नाम था उनका जो छर्रा में भर्ती है? जी नाम मालूम नहीं है। आप में से किसी को पता है? कहाँ के रहने वाले हैं वैसे वो? डोरई। डोरई के दोनों लोग? नहीं, एक है डोरई के, दूसरे वाले की नहीं पता। अटा नकला। परिजनों के मुताबिक जेल प्रशासन ने तबीयत खराब होने की बात कही थी। परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचने पर मृत्यु की जानकारी हुई। 29 दिसंबर को रिहा होने वाला था मृतक।